बजट के अंदर ये राजनीतिक बजट है, जनता को कोई सहूलियत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ चुनावी एजेंडे के लिए ये बजट बनाया गया है। आम जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा बता रहे? आम जनता के लिए कोई काम नहीं है, आम जनता वही महंगाई की मार झेल रही है। रसोई मत छेड़ो, रसोई क्यों छेड़ते हो आपकी? जो रोज आदमी खाने पीने की चीजें वो नहीं छेड़नी चाहिए ना आपको? आपने गरीब आदमी ध्यान दिया नहीं इस पर बिल्कुल भी, आपने तो बड़े लोगों पे ध्यान दिया। जो बजट बनाया उसने किस हिसाब से बजट बनाया, लेकिन आम आदमी के लिए वो मिडिल क्लास के लिए बजट नहीं। क्या लग रहा है सर, बजट इस बार का आया है, भारत सरकार ने पेश किया है, 11वीं बार बीजेपी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, क्या लग रहा है आम जनता को कुछ राहत मिलेगी इस बार? बजट के अंदर ये राजनीतिक बजट है, जनता को कोई सहूलियत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ चुनावी एजेंडे के लिए ये बजट बनाया गया है। जनता को किसी भी तरीके की कोई महंगाई दूर नहीं करी, हर चीज़ पे पैसा वहीं के वहीं है, किसी चीज़ पे पैसा नहीं उतरा है। और जनता तो सही महंगाई दूर करना होगी तभी जनता को राहत मिलेगी। क्या लग रहा है किसके लिए? तो जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बजट कम चपत ज़्यादा लग रहा है, किस बात से सहमत है क्या आप? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं बिल्कुल, और बजट जो निकलना चाहिए सबके हित के लिए निकलना चाहिए, सबके फायदे के लिए निकलना चाहिए, बजट जो है बोर्ड लेने के लिए नहीं निकलना चाहिए। इन लोगों को, बड़े उद्योगियों को फायदा हो रहा है इससे, और जो आम जनता है उसको नुकसान हो रहा है। आम जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा बता रहे? आम जनता के लिए कोई काम नहीं, आम जनता वही महंगाई की मार झेल रही है और झेलेगी। पर जब इतनी बार बजट पेश कर चुके हैं तो आम जनता का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा? क्या मंशा नहीं है सरकार की या कोई और बात है? सरकार जो है कुछ जनता को इस तरीके की उनका दिमाग डाइवर्ट कर देती है कि जनता भूल जाती है, दूसरे मुद्दे ले आती है, साम्प्रदायिकता मुद्दे ले आती है, इससे जनता को गुमराह कर देती है। जनता इसलिए महंगाई को भूल जाती है और सरकार की तरफ ध्यान देती है। किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी को, क्या राहत मिली इस बजट से? नहीं, क्या राहत मिली? कोई राहत नहीं मिली। आज आज क्या राहत मिली है? दूध के पैसे रोज़ बढ़ रहे हैं, दूध तो डेली आदमी चाहिए, सब्जी रोज चाहिए, सब्जी महंगी हो रही है। अब इन्होंने जूतों पर, चप्पल पर, कपड़े पर इन्होंने पैसे, उसे वो रोज़ पहनता है आदमी, को रोज़ थोड़ी खरीदता है, रोज तो आदमी खाने की चीज़ चाहिए, उसकी रसोई क्यों छेड़ते हो आप? आपको उसको सिलेंडर सस्ता करो, उसका सिलेंडर सस्ता करो, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसकी, आटा है 30-35-40 रुपये आटा जा रहा है, चावल इतना महंगा जा रहा है, आप उस पर कम करना चाहिए ना। आप इससे क्या ये लेगी? हवाई जहाज के पैसे कम कर रहे हो आप, जा करके जूते पे, चप्पल पे, प्लास्टिक पे महंगा कर रहे हो, वो कोई थोड़ी है। मोबाइल सस्ता हुआ है पर मोबाइल के रिचार्ज जिस तरीके से महंगे हो रहे हैं, क्या लग रहा है इधर से इस जेब से निकाल के उस जेब में भरने का काम हो रहा है क्या? मोबाइल का जहाँ तक सवाल है, दूध को सस्ता करते हैं ना, दूध सस्ता है, दूध तो डेली यूज होता है, दूध तो दूध को सस्ता करना चाहिए था आपको। और जो रोज आटा महंगा, आटा 40 रुपये किलो आटा बिक रहा, आटा सस्ता करो, दाल रोटी सस्ती करो आदमी की। रसोई मत छेड़ो, रसोई क्यों छेड़ते हो आपकी? जो रोज़ आदमी खाने पीने की चीज़ें वो नहीं छेड़नी चाहिए ना आपको? आप कुछ भी करते रहो, रसोई में तो काम नहीं चलता आपका। आपने आटा महंगा किया हुआ है, दाल महंगी, दालें सारी महंगी हैं, सब्जी सारी 100 रुपये तक में कोई सब्जी नहीं आती टाइम में, तो क्या फ़ायदा है बजट का? आपने गरीब आदमी ध्यान दिया नहीं इस पर बिल्कुल भी, आपने तो बड़े लोगों पर ध्यान दिया। बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा बजट मिला है, पर क्या लगता है जो चंद्रबाबू नायडू हैं या फिर नीतीश कुमार हैं इनके तरफ से दबाव बनाया गया होगा सरकार बनाने के लिए, क्या कोई शर्तें रखी गई हैं क्या? नहीं, उनको तो मिलना था भैया, बराबर के पार्टनर है भाई, उनको तो मिलेगा ही बराबर, वो तो बराबर मोदी जी के बराबर के पार्टनर है क्या? वो तो बराबर के पार्टनर में तो मिलेगा ही, उनके बिना तो काम नहीं चलेगा। क्या लग रहा है जब तक इनकी मांगे पूरी हुई तब तक तो ठीक है, जहाँ मांगे ठुकरा दी गई, क्या सरकार गिर सकती है इस बार? सरकार तो नहीं गिरेगी, खैर सरकार तो वापस चलेगी, सरकार जाने वाली नहीं है। तो सरकार आगे अगर बाई चांस समर्थन वापस लेंगे नहीं, पहली बात, अगर समर्थन ले भी लेंगे तो फिर मोदी जी वापस अपने पूरे जोरों शोरों से आ जाएंगे। बता रहे कि इनके समर्थन के बिना भी सरकार चल जाएगी? हाँ, दोबारा वो नहीं, अगर बाई चांस दोबारा हो, चुनाव दोबारा गलती से हो भी जाएँ तो वापस वो दोबारा मोदी जी अपने दम पर दोबारा आ जाएंगे। अच्छा चलिए, गरीब आदमी को सब्सिडीज़ मिल जाती हैं, अमीर आदमी का वैसे बिजनेस में फ़ायदा हो जाता है, जो मिडिल क्लास है बजट में सबसे ज़्यादा पिसता है तो मिडिल क्लास पिसता है, इस बार कुछ लग रहा है मिडिल क्लास को राहत मिलने का काम हुआ? टैक्स की बात करें चाहे फिर सामान की जो सस्ती महंगी चीज़ें हुई हैं उस पर कुछ मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, मिडिल क्लास का जहाँ तक देखो ना, पहले तो आप मिडिल क्लास की रसोई मत छेड़ो, सारे काम छेड़ते रहो, उससे कोई मतलब नहीं होता, आप उसकी रसोई मत छेड़ो, उसके खाने पीने की चीज़ें मत छेड़ो। आपका सिलेंडर 1,800 रुपये का दे रहे हो, आपका सिलेंडर सस्ता करते, 500 रुपये का सिलेंडर करते, 600 सिलेंडर करते, दाल चावल हैं, रोटी है, गेहूँ है, चावल है, चीनी है, दूध है, ये तो डेली चीज़ इस्तेमाल होती हैं, आप इनको सस्ता करते हैं ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों, लोग इनके खुश होते हैं इनके बजट से, क्योंकि जाते देश के अंदर मिडिल क्लास आदमी जाते देश के अंदर, तो मिडिल क्लास जाते हैं मिडिल क्लास आदमी। तो क्या लग रहा है ये जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है इससे आम जनता को कितना फ़ायदा होगा और बड़े बड़े उद्योगपतियों को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि जो राजनीतिक विरोधी हैं वो बता रहे कि ये अडानी अंबानी वाला बजट है आम जनता के लिए तो नहीं? देखो, मिडिल क्लास के लिए तो बजट में कोई जान नज़र नहीं आ रही, मिडिल क्लास के अंदर कोई जान नज़र नहीं आ रही। जैसे इनको बीच में कहा था इन्होंने सीनियर सिटीजन को हम मेडिकल फ्री करेंगे, उसका इन्होंने मेडिकल की बात को ऐसे फ्री नहीं करी है, जो 60 साल के बाद आदमी कमा ही नहीं सकता उसका आपको मेडिकल फ्री करना चाहिए था, मेडिकल ट्रांसपोर्ट फ्री करते उसका, कभी जो सीनियर सिटीजन उनका ट्रांसपोर्ट मेडिकल उनको फ्री देंगे, वो तो इसकी बात ही नहीं की, इन्होंने कोई इस बारे कोई बात ही नहीं करी। इन्होंने जो बजट बनाया उसने किस हिसाब से बजट बनाया, लेकिन आम आदमी के लिए वो मिडिल क्लास के लिए बजट नहीं।
आम आदमी के लिए नहीं है, बताइए आम आदमी के लिए। और आपने रसोई महंगी कर दी उसकी, उसको दूध नसीब नहीं होता शाम को, और एक किलो दूध ले गया चार बार सोचेगा उसको किसी को चाय पिलाऊ ना पिलाई, दस बार सोचता है भैया मेहमान आ गए तो चाय पिलाए ना पिलाएं, दस बार सोचता है वो। जिस तरीके से देखा जनता की राय, कहीं ना कहीं ये बताया गया कि जो बजट आता है हर बार कहीं ना कहीं वो अमीरों और गरीबों के लिए फ़ायदेमंद होता है, पर जो मिडिल क्लास है, जो आम आदमी है जिसको रोज़ की रसोई बनानी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, जिस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।